राजेश गौतम उत्तर प्रदेश राज्य टनमुक्त विश्वविद्यालय में संचालित पुस्तकालय सूचना विज्ञान विषय के परामर्श ऑनलाइन परामर्श कक्षा में आपका स्वागत करता हूं आज का विषय होगा पुस्तकालय एवं उसकी भूमिका पुस्तकालय पुस्तकालय एवं परिभाषा भूमिका हम पुस्तकालय एवं भूमिका के अंतर्गत सबसे पहले हम प्रस्तावना पे नजर डालते हैं प्रस्तावना के में हम पुस्तकालय के आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक के पुस्तकालयों की स्थिति जानेंगे सबसे पहले प्रस्तावना के अंतर्गत देखते हैं कि सिंधु घाटी के ग्रंथों में भंडारा है तो भंडार ग्रहण के निर्माण जिसे प्राचीन पुस्तकालय की संज्ञा को दिया जाना अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में जैसे शिला लेख हो भंडा भंडार लेख हो भंडार लेखक के संग्रहण का जिस तरह से प्रयोजन किया गया है उसे हमें ऐसा लगता है कि प्राचीन पुस्तकालय भी वहाँ एक संज्ञा दिया जाना होगा वर्तमान काल में पुस्तकालय के ऊपर बहुत कुछ ही ध्यान दिया जाए जैसे कि जैसे राज्य स्तर पे ब्लॉक स्तर पे और ग्रामीण स्तरों पे पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है इसी क्षेत्र में वर्तमान समय में को देखते हुए हम कह सकते हैं कि राजा राममोहन फाउंडेशन ने इस समय अनेक पुस्तकालयों पे जोर दिया है और साथ ही साथ इसके अंतर्गत सबसे पहले 1957 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में एक शैक्षणिक पुस्तकालयों के विकास के लिए पुस्तकालय समिति की स्थापना की गई तदुपरांत तो नाइनटीन सिक्सटी फोर सिक्सटी सिक्स में यू ने कोठारी आयोग की स्थापना की और इस आयोग ने सिफारिश यह किया कि विकासशील विभाग के लिए अपने पुस्तकालयों के गठन अत्याधुनिक बनाने के लिए अधिक अनुदान दिया जाना उचित होगा जैसा कि हम जानते हैं यह सूचना का युग है आज प्रत्येक विषय पर सूचनाओं की वृहद साहित्य प्रकाशित हो रहा है इस भंडार के संग्रहित करना फिर उसका प्रबंध करना और पाठकों के उनके समतुल्य बनाना आसान कार्य नहीं है पुस्तकालय अध्यक्षों एवं सूचना प्रबंध करने वालों ने हमेशा ही प्रयास रहे हैं कि प्रयोक्ता को उसकी आवश्यकता के अनुरूप उसी क्रम में उसको सूचना प्रदत्त की जा सके आज किसी भी राष्ट्र एवं देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सूचना एक महत्वपूर्ण साधन एवं मूल्यांक वस्तु के रूप में जाना जाता है आज समाज के प्रत्येक सक्रिय व्यक्ति को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी न किसी रूप में सूचना की ज़रूरत होती है जैसा कि सरकारी कार्यालयों से लेकर निजी कार्यालयों तक के सही निर्णय लेने के सूचना की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है उद्देश्य इसके अंतर्गत हम पुस्तकालयों के इतिहास एवं पुस्तकालय के परिभाषा एवं पुस्तकालय की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम भारत में पुस्तकालयों के इतिहास पर चर्चा करते हैं तो भारत में पुस्तकालय हेतु प्रयुक्त शब्द किताब किताबघर ग्रंथालय पोथी खाना ग्रंथगार शाही पुस्तकालय पुस्तगार का उल्लेख हुआ है पाश्चात्य देशों के पाश्चात्य देशों में भी पुस्तकालयों के लिए अनेक शब्द को प्रयुक्त हुआ जैसे लाइबर लैटिन में लाइब्रेरिया और जर्मन में बिब्लोथिक एंड बिब्लोथिक फ्रेंच में और ग्रीक भाषा एंटेनियम आदि का प्रयोग है प्राचीन समय में भी पुस्तकालयों का इतना ही महत्व था जितना आज है अंतर केवल उसके स्वरूप सेवा में आया परंतु समाज की विचारधारा ने पुस्तकालय का स्वरूप ही बदल दिया है प्राचीन काल में पुस्तकालय भारतवर्ष में आरंभिक काल में पुस्तकालयों पर ज़्यादा पता तो नहीं चलता फिर भी सेंधो घाटी की सभ्यता से कुछ ऐसे तथ्य प्रमाण मिले हैं कि उस समय ग्रंथलिला लेखों भंडारण का भंडार घन बनाए गए होंगे जिन्हें हम प्राचीन पुस्तकालय की संज्ञा दे सकते हैं वैसे भी पुराने समय पुस्तकालय एक भंडार गृह ही होता था चीनी यात्रियान जिन्होंने थ्री नाइन्टी नाइन फोर फोर्टीन ईस्वी में अपने लेख मिनारगुन विद्यापीठ पुस्तकालय का वर्णन किया है चीनी यात्री सांग ने भी सिक्स सेवेंटी फाइव एंड सिटी फाइव ने लिखा है कि प्रत्येक मठ में एक पुस्तकालय हुआ करता था जिनमें सर्वाधिक चर्चित पुस्तकालय लंदा विश्वविद्यालय था जिसका नाम धर्मगंज था इसमें तीन बड़ी इमारतें थी एक रत्न सागर रत्नोदी और रत्न रंजक रत्नोधि के नौ मंजिल बताया गया है प्रत्येक इमारत में तीन कमरों का उल्लेख है जब यह इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी तो इसमें पुस्तक की कितनी मात्रा होगी इसका हम अनुमान लगा सकते हैं इस पुस्तकालय को बख्तियार खिलजी द्वारा 1205 सौ ईस्वी में भारत में आक्रमण करके आग लगा दी गई यह अमूल पुस्तकालय छः महीना तक जलता रहा मध्यकाल में पुस्तकालय जैसा कि मध्यकाल में हम देखते हैं कि पठानों और मुगलों के पुस्तकालय विकास पे अत्यंत जोर दिया गया जिसमें अत्यधिक मात्रा में अरबी फारसी और अच्छे पुस्तकालयों की स्थापना की गई शाही पुस्तकालय को राजा अपने महलों में अपने स्वयं अध्ययन के लिए रखते थे मुस्लिम शासन काले में मदर्शो एवं पुस्तकालय होते थे अलाउद्दीन खिलजी ने तो इम्पेरियल ग्रंथालय की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को अपना पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया था और उसे ही मफीले कुरान की पदवी तक दी थी फिरोज तुगलक भी पुस्तक प्रेमी था और उसने भी अपने राज्य के पुस्तकालयों की स्थापना की मुगल काल में पुस्तकालय मुगल सम्राट बाबर और उसके बेटे हुमायूं ने भी मदरसों में पुस्तकालयों की स्थापना की अकबर के समय पुस्तकालयों के एक अलग महकमा हुआ करता था जिसके निदेशक को नाजिम करते थे विद्वान व्यक्ति ही इस पद पर दावेदार होता था और इसके बाद दरोगा कि खाना का पद होता था और शाहजहाँ एवं बहादुर साहब जफर जो अंतिम मुगल सम्राट हुआ था इन्होंने भी पुस्तकालय की स्थापना की ब्रिटिश शासन काल में पुस्तकालय ब्रिटिश शासन काल में पुस्तकालय जैसा कि प्रेस के आविष्कार के साथ ही हम देखते हैं पुस्तकों और समाचार पत्रों पत्रिकाओं में वृहद वृद्धि होती गई इसी क्रम में अंग्रेजों ने कोलकाता में अठारह सौ इक्यानवे इम्पेरियल पुस्तकालय की स्थापना की वैसे तो इसकी स्थापना 1835 एडी में ही फोर्ट विलियम कॉलेज में 500 पुस्तकों के संग्रह के साथ हुई थी 30 जून 1930 में इसका द्वार सभी के लिए खोल दिया गया और इसी क्रम में कॉन्वेमेरा पुस्तकालय मद्रास में खोला गया एसियासिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई में खोली गई अंग्रेज़ों ने इन महान पुस्तकालयों के विकास के लिए बहुत ही कुछ किया परंतु इन पुस्तकालयों में रोमन लिपि की ज़्यादातर पुस्तकें होती थी जो आम जनता के समझ से बाहर थी पढ़े लिखे व अमीर व्यक्ति ही इसका लाभ उठाते थे भारत की आज़ादी में भी इन पुस्तकालयों का अत्यंत योगदान रहा है दूसरे देशों की शासन व्यवस्था व आज़ादी की बातें पढ़ के ही लोगों ने इससे प्रेरणा जागृत हुई वर्तमान में पुस्तकालय की स्थिति पुस्तकालय के को देखते हुए सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना की गई सार्वजनिक पुस्तकालय जिला स्तर पे ब्लॉक स्तर पे पुस्तकालय अधिनियम पारित के साथ-साथ गांव में पुस्तकालय खुलने लगे राजा राम मोह फाउंडेशन कोलकाता में इस क्षेत्र में अत्यंत ही योगदान रहा है पुस्तकालय शिक्षा प्रशिक्षण पे जोर दिया जा रहा है विश्वविद्यालय ने अपने यहां लाइब्रेरी साइंस विभाग खोले दुर्बत्ती शिक्षा पद्धति में जिसमें कार्यरत पुस्तकालय कर्मचारी अपने शिक्षा को जारी रख सकते हैं बहुत से ऐसे संगठन जैसे आइसलेग आई एल ए व राज्य के पुस्तकालय संगठन तथा राष्ट्रीय प्रलेखन के डेसडॉग पुस्तकालय एवं कर्मचारियों को विकास के संगोष्ठी सेमिनार आदि का आयोजन कर रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1957 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में शैक्षणिक पुस्तकालय के विकास के लिए एक पुस्तकालय समिति की स्थापना की इसके बाद 1964 एंड सिक्स में यूजीसी ने कोठारी आयोग की स्थापना की और इस आयोग ने सिफारिश किया कि विश्वविद्यालय को अपने केंद्रीय पुस्तकालय के साथ साथ प्रत्येक विभाग के लिए अपने पुस्तकालय के गठन व अत्याधुनिक बनाने के लिए बहुत से योगदान देना चाहिए यूजीसी ने 1991 में प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षा में इनफ्लिबनेट स्थापना की जिसका उद्देश्य शैक्षिक पुस्तकालयों के विकास के साथ साथ पुनरावृत्ति को रोकने से है और इसके अतिरिक्त पुस्तकालय में सूचना संचार के तकनीकी का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में हो सके इसके पे बल दिया गया भारत चूंकि भारत के लोग अभी भी पूरी तरह से शिक्षित नहीं हो पाए थे इसलिए उन्होंने पुस्तकालय उपयोग की भावना को पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पा रही है तीसरा एक मुख्य कारण अनुदान का न मिलना बहुत से पुस्तकालयों की दशा बिना अनुदान के सोचनीय बनी हुई है चौथा कारण भारत में भाषाएं अनेक प्रकार की भाषाएं हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पा रही और भाषाएँ पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी शब्द लाइब्रेरी का हिंदी रूपांतरण लाइब्रेरी शब्द रोमन के लाइबर लेटिन भाषा के लाइब्रेरी हाउस ऑफ बुक से बनाया लाइब्रेरिया उस स्थान का नाम है जहाँ पुस्तकें व अन्य मुद्रित तथा लिखित सामग्री सुरक्षित रखी जाती है लाइब्रेरी शब्द का उद्भव लाइब्रेरिया शब्द से हुआ है कई देशों में लाइब्रेरी शब्द के लिए, लिए। थिक शब्द का प्रयोग है भारत में तेलुगु ग्रंथालय मलयालम में ग्रंथमाला चाहे किसी भी भाषा में कोई शब्द प्रयोग हुआ हो पुस्तकालय का तात्पर्य संग्रह से ही है पुस्तकालय क्या है रीडर्स डाइजेस्ट डिक्शनरी के अनुसार एक ऐसा भवन जिसमें पुस्तकें पत्रिकाएं रखी जाती हूँ और आम लोगों के उपयोग के लिए या किसी विशेष संस्था के सदस्यों के उपयोग के लिए पुस्तकालय एक भवन या कमरा या संगठन विशेष रूप से व्यक्ति पढ़ने और आदान प्रदान के लिए जो पुस्तकों का भंडार रखता है और सेवा निःशुल्क प्रदान की जाती है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार पुस्तकालय क्या पुस्तकाल है पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है जिसका कार्य पुस्तक के संग्रह को देखभाल करना तथा उसके पाठकों को उनके अनुसार उपलब्ध कराना है डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय एक संयुक्त संस्था की स्थापना है जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह को देखभाल और रख रखाव करना तथा उनके पाठकों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराना और अनियमित पाठक को नियमित पाठक के रूप में बदलने का एक कार्य करना है अब जैसा कि हम देखते हैं पुस्तकालय है। जो कि इसका महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसकी कोई निश्चित परिभाषा निर्धारित नहीं की जा सकती पुराने समय के अनुसार पुस्तकालय पुस्तकों अभिलेखों भंडारण था जिसे राजा या साहेब परिवार के लोग ही सिर्फ अपने लिए ही बनवाते थे आज के युग में पुस्तकालय का पूरा अर्थ ही बदल गया है समय के अनुसार पुस्तकालय की पूरी परिभाषा और धारणाएं भी बदल गई है पुस्तकालयों की भूमिका आधुनिक वातावरण में पुस्तकालय आज के बदलते हुए वातावरण में पुस्तकालय का महत्व अत्यंत ही बढ़ा पुस्तकालय अधिनियम कई राज्यों में पारित हो गए हैं जिसके अंतर्गत ग्रामीण पुस्तकालय खुल रहे हैं गांव में पुस्तकालय का अत्यंत ही महत्व है किसान को अपने पसंद की किताबें कितना खाद डालना है कितना कौन सी फसल उगना है और कौन से फसलों को कीटों से बचाया जा सके और भविष्य में कीटनाशकों का प्रयोग किस प्रकार कितनी मात्रा में करे इसकी सबकी सूचना किसानों को प्रोवाइड इसके अंतर्गत की जाती है ऐसे ही गृहणियों को अपने पसंद की पुस्तकें जैसे घरेलू वस्तुओं के बारे में बच्चों के पालन पोषण के बारे में छोटी छोटी बीमारियों के ऊपर इनको अत्यंत प्रचुर मात्रा में ग्रंथालय से लाभ मिल सकता है लेकिन इन सब के लिए शिक्षा का होना अत्यंत अनिवार्य है जो पढ़ ना पाया हो उस प्रौर शिक्षा केंद्र में शिक्षा दी जा सकती है पुस्तकालय प्रौर शिक्षा का बहुत ही योगदान सभी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पास होना चाहिए और जिससे कि प्रत्येक गांव में पुस्तकालय का प्रचुर मात्रा में खोला जाए सैनिक पुस्तकालय को ग्राम स्तर पर ब्लॉक स्तर पर खोलने के लिए सरकार द्वारा अनुदान देना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय शैक्षणिक पुस्तकालय पाठकों के अध्ययन की रुचि बढ़ाने में अत्यंत ही सहायक है शिक्षा स्तर के ऊंचे उठाने पुस्तकालय में अत्यंत ही महत्व रहा है जैसे ही कोई छात्र विद्यालय महाविद्यालय औपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है उसको अपने ज्ञान और ज़्यादा ज्ञान बढ़ाने की जिज्ञासा होती है यहाँ शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा कक्षा में दी जाती है शिक्षक श्रेणी कक्ष में एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देता है जो विद्यार्थी के समुचित विकास के लिए पर्याप्त नहीं होता यहाँ पुस्तकालय की अनिवार्यता बढ़ जाती है पुस्तकालय ही अपने संसाधनों से उसकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकता है पुस्तकालय शिक्षा की परिचारिका है और उनके विषय शिक्षा का अस्तित्व नहीं है शिक्षा और पुस्तकालय एक दूसरे के पूरक है और वह एक दूसरे पर आधारित है जिनको एक दूसरे से अलग नहीं कह सकता प्रत्येक शैक्षिक संस्थान का अपना पुस्तकालय होता है पुस्तकालय विद्यालय में विद्यार्थी में पढ़ने की आदत डालते हैं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय उसे बढ़कर बौद्धिक विकास में योगदान प्रदान करते हैं शिक्षा के साथ साथ पुस्तकालयों के शोध कार्य को बढ़ाने में योगदान है पुस्तकालय स्कूल स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक लगातार शिक्षा में छात्र अध्यापक शोधकर्ता को सहयोग देते हैं संदर्भ से द्वारा नई-नई सूचनाओं और तकनीकों की जानकारी से पुस्तकालय में ही मिलती है और आज के पुस्तकालय इंटरनेट ने अपने प्रयोगकर्ताओं को सभी जिज्ञासाओं को पूर्ति कर रहे हैं भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों का महत्व अधिक है जनता की अशिक्षा अज्ञानता भूख गरीबी को दूर करना एक जनमानस के जीवन स्तर को उठाने में पुस्तकालय का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है जनता में बौद्धिक विकास कर उसमें प्रजातंत्र की भावना राजनीतिक चेतना के विकास को पुस्तकालय द्वारा ही संभव होगा पुस्तकालय ही प्रत्येक दशा में संस्कृति और सभ्यता के सजग प्रहरी के रूप में काम करता है उद्योग व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में जैसा कि हम जानते हैं किसी भी देश की उन्नति वहाँ के उद्योगों और व्यापार पर निर्भर करती है उद्योगों की उन्नति नवीन ज्ञान तथा सूचनाओं पर निर्भर करती है किसी भी उद्योग संसार में क्या हो रहा है उस विशेष उद्योग की सूचनाएं देने का काम अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करने का काम पुस्तकालय ही कर सकता है वैज्ञानिक शोधकारों में लगे हुए उनके पास इतनी समय नहीं होता कि वो अद्यतन प्रकाशित सभी सूचनाओं के ज्ञान को पढ़ सकें जान सकें वो अपना काम रुचि विषय को छाट सके ऐसी परिस्थिति में यह सब काम पुस्तकालय ही कर सकता है इस प्रकार विषय अनुसार सूचनाओं को छाँट उनके अपने प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध कर जैसे दुकानदार डॉक्टर वकील इंजीनियर्स अन्य व्यवसाय के लोग पुस्तकालय में अपने रुचि के अनुसार विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं शोध तकनीकी विकास के क्षेत्र में किसी भी देश में ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक शोध लगे हुए हैं तो वह देश प्रगतिशील कहलाता है उस समय देश के निवासियों के लिए रहन सहन ऊँचा स्तर का होता है अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों के पीछे शोध की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही देश की प्रगति के लिए शोधों का भंडारण किया जाना उचित है और उस भंडारण को वर्षों तक जीवित रखने का कार्य पुस्तकालय का ही योगदान है आने वाले पीढ़ियों और पुस्तकालयों को अपनी संस्कृति और सभ्यता की जानकारी मिलती है अपने देश में हो रहे शोधों के बारे में ही नहीं अपितु विदेशों के किसी विशेष क्षेत्र में क्या क्या शोध हो रहा है क्या क्या परिणाम मिल रहे हैं यह सब का पुस्तकालय से ही ज्ञात हो सकता है अब तो हम कंप्यूटरीकृत युग में आ हैं जिसमें पुस्तकालय में किसी भी विषय पे कोई भी पुस्तक पत्र पत्रिका उस पुस्तक से ही नहीं बल्कि किसी भी देश पुस्तकालय में देख सकते हैं व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में आजकल पुस्तकालय भी ऑडियो वीडियो तकनीकों का सहारा ले रहे हैं तथा अपने उपयोगताओं के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रदर्शनी लगाते हैं पुस्ता सप्ताह लेक्चर व फिल्मों के प्रदर्शन के माध्यम से अपने प्रयोगकर्ताओं को संतुष्ट रखते हैं उपन्यास कहानियाँ चुटकुले लोकप्रिय मुहा आदि का पुस्तकालय अपने उपकर्ताओं के लिए जुटाते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय ही बच्चों के लिए चित्रात्मक कहानियाँ वृद्धों के लिए धार्मिक पुस्तकों का प्रबंध करते हैं विद्वान व पढ़े लिखे मनुष्य अपने फालतू समय व थकान को कम करने के लिए पुस्तकालय का ही उपयोग करते हैं इस प्रकार पुस्तकालय मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान उपलब्ध कराने का भी उत्तम साधन है सांस्कृतिक धरोहरों और प्रलेखों के संरक्षण के रूप में प्रलेखों सुरक्षित व संरक्षण के लिए पुस्तकालयों के पास उन्नत तकनीकें ये सिर्फ प्रलेखों के अर्जन संग्रहण व उनकी व्यवस्था तक ही सीमित था अब नवीन सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी माध्यमों से प्रलेखों का संग्रह और संरक्षण वर्तमान में भावी पीढ़ी के उपयोगार्थ सुरक्षित रखा जाता है प्रत्येक देश में पुस्तकालय का महत्वपूर्ण कार्य परम दायित्व तो है कि वह प्रलेखों के सुरक्षित तो व्यवस्थित रख सकते समाज और पूरे राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्पाद तथा संरक्षण अति आवश्यक है पुस्तकालय राष्ट्रीय और विदेशी साहित्य का संरक्षण करते जिसमें राष्ट्र की संस्कृति धरोहर निरूपित होती है पुराने समय में मंदिर मदरसों मठों और पुस्तकालय ही संस्कृति और ज्ञान का संरक्षण का एकमात्र साधन थे इस प्रकार पुस्तकालय सांस्कृतिक धरोहर प्रलेखों का संरक्षण करते हैं सूचना प्रसारण के क्षेत्र में पुस्तकालय अपने संग्रहण की सूचना पुस्तकालय सूची में पाठकों तक पहुंचाते हैं कुछ समय तक यह समझा जाता था कि पुस्तकालय की सेवाओं सीमित और निष्क्रिय ही रहेगी परंतु सूचना प्रौद्योगिकी के पुस्तकालय को स्वरूप ही और सक्रियता के रूप में बदल दिया है अब सूचना प्रौद्योगिक पुस्तकालयों को लागू करना ही समस्याओं का हाल है उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालयों की सहायता करने के उद्देश्य व सूचनाओं को एकत्रित करने के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है पिछली कुछ शताब्दियों में समयवधि व पुस्तकालय के सूचना केंद्रों में प्रौद्योगिक आधुनिक उपकरणों के प्रयोग होने लगे हैं और आज अनेक संख्या और रूपों में पुस्तकालय और सूचना व्यंग्यात्मक अव्यंग्या्यात्मक डेटा बेसों को ऑनलाइन अभिगम उपलब्ध हो रहे हैं इसके साथ ही साथ पुस्तकालय और सूचना केंद्रों में पाठकों को ई फैक्स प्रिंटर सी डी डी डेटा लेना इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स ओपेक आदि सुविधाएँ मिला यह सब सूचना प्रौद्योगिकी का ही देन है पुस्तकालय सूचना प्रदान करने में संस्थाओं में सबसे प्राचीन पुस्तकालय की पहल शिक्षा को शैक्षिक अध्ययन में सहायता प्रदान कर परंतु कलांतर में उनका झुकाव अन्यत्र सार्वजनिक पुस्तकालयों का और विभाव मूल जन सम्मान के लिए ज्ञान तथा सूचना प्राप्ति के लिए सामाजिक वातावरण से हुआ कलांतर में यही सामाजिक वातावरण शासन द्वारा अनुदान देने व उनके संचालन के लिए पुस्तकालय आंदोलन के रूप में उभरा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों ने शोध कार्य में सहायता प्रदान के लिए अपने संसाधनों का निर्माण किया अनेक ऐसे शोध संस्थाओं का जन्म हुआ जिनका ध्येय शोध कार्य को प्रोत्साहित करना तथा शोध था कार्य क्र करना इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक प्रलेखन केंद्रों की स्थापना हुई तब ग्रंथ परक सेवाओं के क्षेत्र में विस्तृत होने अतः सूचना प्रसारण के क्षेत्र में पुस्तकालय और सूचना केंद्रों का विशेष महत्व है व्यक्ति के दैनिक जीवन पर प्रभाव जैसा कि एक साधारण व्यक्ति भी आज अपने प्रतिदिन के कार्यों की सूचना की आवश्यकताओं को अनुभव करता है यह किसी वस्तु की गुणवत्ता और कीमत की ओर जानने के लिए भी हो सकता है किसी को वस्तु की आवश्यकता को फसल को उगाने बागवानी गृह सज्जा खाना खाना पकाने बच्चों के लाल पोषण करने एक गृहस्थी कार्य हेतु होती है सूचना समाज में संचार प्रौद्योगिकी के प्रदापण के लिए ऐसे सूचनाओं को अभिगम प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाता है इस प्रकार पुस्तकालय आवश्यक सूचनाओं देकर व्यक्ति के दैनिक जीवन में बदलाव लाता है सामाजिक परिवर्तन एवं पुस्तकालय परिवर्तन के एक बढ़ते हुए क्रम में समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है वर्तमान में परिवर्तन को हम व्यक्तियों की जीवन शैली और रहन सहन एवं काम करने के ढंग शिक्षा संस्कृति में हम देख सकते हैं जैसा कि पहले मनुष्य कृषि मछली पकड़ने और खाना गतिविधियों जैसे जुड़े हुए हुआ था इसको हम औद्योगिक समाज से पहले समाज का कह सकते हैं फिर औद्योगिक समाज द्वारा जिसमें मनुष्य उत्पादों को कैसे बढ़ाया जाए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद किया जाए और उनको बाज़ार में कैसे उतारा जाए औद्योगिक क्रांति के मनुष्य का सामाजिक जीवन के स्तर ही बदल दिया और अब औद्योगिक क्रांति के बाद एक जिसे हम सूचना समाज या सूचना की क्रांति भी कह सकते हैं आज का विकसित देश उनके विकसित होने के कारण उन देशों में सूचना के उन्नत ही है और यह सूचनाएं केवल पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों से ही मिल सकती है जिस देश के पास जितनी समुन्नत प्रणाली की सूचना प्रणाली होगी वह देश उतना ही शक्तिशाली होगा सूचना प्रणाली के व्यवस्थित और सशक्त बनाने में पुस्तकालय सूचना केंद्रों के, के अत्यंत योगदान होता है अब बदलते हुए परिवेश में सूचनाओं को संग्रहण करना और फिर उनको निकालना और भविष्य के लिए उनको ऐसे संरक्षित करना ऐसे फॉर्मेट में रखना यह बहुत ही जटिलता बनी हुई है जिस जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी ने अत्यंत अपनी भूमिका निभाया सूचना प्रौद्योगिकी ने सूचनाओं को कितना आसान बना दिया है यह मानव से लेकर आज के उन्नत काल तक में सूचनाओं के महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया है ही समाज के परिवर्तन अग्रसर करती है यह सच है कि आज जिस उन्नत बदले हुए समाज में हम रह रहे हैं यह सूचना का ही देन आज का मनुष्य सभी क्रियाकलापों और सूचना के माध्यम से संचालित हो रहे हैं जिससे सूचना का समाज उपयोग बढ़ रहा है इसलिए विद्वान आज के समय के सूचना के समाज कहने लगे हैं सूचना का प्रभाव घर से लेकर कार्यालय ले, व्यापार उद्योग धंदे शिक्षण संस्थाओं के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर पड़ा है मनुष्य के जीवन स्तर के विकास के सूचना का महत्वपूर्ण स्थान है आज मनुष्य के शैली रहन सहन बिल्कुल ही बदल गया है सूचना के सभी क्षेत्रों में प्रभाव समाज की दशा को बदल गई है और जब से प्रौद्योगिकी का साथ मिला है तो इसका विकास त्रिव गति से हुआ है सूचना के समाज में बढ़ते हुए प्रमुखता और संख्या के कारण हम आज समाज को सूचना समाज कर सकते हैं और आज का प्रत्येक मनुष्य सूचना समाज के अंतर्गत ही जी रहा है आज पुस्तकालय संग्रहण संग्रहगार न रहकर उपयोग के माध्यम से जीवित संस्था के रूप में काम कर रहे हैं फिर भी हमारे देश में दूसरे दूसरे की तुलना में इतनी उन्नति नहीं हुई आज समाज के नेताओं विचार को दार्शनिक कवियों तथा वैज्ञानिकों ने विशेषकर पुस्तकालय से संबंधित छात्रों अध्यापकों अन्य कर्मचारियों पुस्तकालय के संगठन पुस्तकालयों के विकास के लिए आगे आना चाहिए आधुनिक पुस्तकालय ज्ञान और सूचना प्रदर्शन को अर्जन कर उसे व्यवस्थित करते हैं इस सामग्री को संरक्षण करने की अपेक्षा उपभोक्ताओं को उपयोग के लिए उपलब्ध कराते हैं ये पुस्तकालय संभावित पठकों को नियमित रूप से पुस्तकालय आने के लिए संभव बनाते हैं जो स्वभावतः पुस्तकालय की उपयोग करते हैं यही पुस्तकालय की आधुनिक अवधारणा है सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु अनेक अनेक, अनेक परामर्शदायक सूचना माध्यम और सूचना कंपनियां स्थापित हुई विकसित देशों में औद्योगिक रूप से ऐसी सूचनाएँ सेवाएं सुवस्थित है तथा सूचना पत्र की इन सेवाओं को कंप्यूटरों तथा दूरसंचार नेटवर्कों के द्वारा व्यवस्थित करने में सहयोग है इंटरनेट भी सूचना तथा दूरसंचार नेटवर्किंग के लिए वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा बहुआयामी सेवा प्रदान कर रहा है आज के इस विषय पे जो हमने चर्चा की है या पुस्तकालय सूचना विज्ञान की पुस्तकालय एवं उनकी भूमिका पर चर्चा की गई है आपको इस यूनिट से कहीं भी इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप ज़रूर कमेंट करिए और इसके साथ ही हम आपको ये बताना चाहेंगे इसके बाद ही एक नेक्स्ट लेक्चर होगा शीघ्र ही हम आपको इसको प्रोवाइड कराएंगे, धन्यवाद